व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक आयरिश ड्रामाटिस्ट शूनो केसी का बहुत ही फेमस प्ले जूनो एंड द पेकॉक। अगर बात करें कि ये प्ले क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो इस प्ले को लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न आयरिश सिविल वॉर थी कि किस तरह आयरिश सिविल वॉर वर्किंग क्लास पर असरअंदाज हुई। आयरिश सिविल वॉर जो 28 जून 1922 से 24 मई 1923 तक रही, और ये आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुई। आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये था कि आयरलैंड ब्रिटिश कंट्रोल से आज़ाद होना चाहता था, यानी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहता था। वो मज़ीद ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं रहना चाहता था, लिहाजा 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस हासिल की और आयरिश फ्री स्टेट के तौर पर सामने आया। इसके बाद आयरिश सिविल वॉर शुरू हुई, जिसमें आयरलैंड के कुछ लोग एंग्लो आयरिश ट्रीटी की हिमायत करते थे, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। यानी कुछ कहते थे कि उन्हें ब्रिटिश एम्पायर से मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहिए, जबकि कुछ लोग उस लिमिटेड इंडिपेंडेंस के साथ खुश थे जो वो हासिल कर चुके थे। लिहाजा आयरलैंड में ब्लडशेड वायलेंस बढ़ गया। इसका असर खास तौर पर वर्किंग क्लास पे बहुत हुआ, जिसे इस प्ले में दिखाया गया है। ये प्ले पब्लिश हुआ 1924 में। इसका योनरा है ट्रेजाय कॉमेडी। मॉडर्निज्म इसका लिटरेरी पीरियड है और इसकी सेटिंग रखी गई आयरलैंड के एक इलाके डबलिन में अर्ली 1920s में, जबकि जूनो बॉयल नाम की एक लेडी इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। अगर बात करें इस प्ले के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है पॉवर्टी यानी गुर्बत। ये प्ले बॉयल फैमिली पर बेस्ड है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है और दो कमरों के एक छोटे से घर में रहती है। एक ही कमरे में पर्दे के पीछे एक छोटा सा बेड रखा गया है और उसी में दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल भी है और बाथ भी। लिहाजा प्ले में बॉयल फैमिली हमें पॉवर्टी यानी गुर्बत के खिलाफ मुसलसल स्ट्रगल करती नजर आएगी। फिर है रिलीजन। इस प्ले में मुख्तलिफ रिलीजियस व्यूज दिखाए गए हैं। प्ले की प्रोटैगनिस्ट जूनो कैथोलिक है और ये समझती है कि इंसान की जिंदगी में जो भी होता है उसकी अपनी बेवकूफियों की वजह से होता है, बजाय इसके कि आप ये कहो गॉड नहीं है और अगर हम रिलीजन को फॉलो करें तो हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जूनो की बेटी मैरी ये समझती है कि गॉड नहीं है, अगर गॉड होता तो ये वॉर के ज़रिए इतना ब्लडशेड और वायलेंस ना होता, और वो कहती कि जो हमारे साथ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं ये भी ना होती। फिर है वॉर, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि तब आयरिश सिविल वॉर चल रही थी। फिर है नेशनलिज्म। प्ले के करेक्टर्स में नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी दिखाई गई है कि किस तरह वो आयरलैंड से प्यार करते हैं। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी। प्ले में मौजूद फीमेल करेक्टर्स स्ट्रॉन्ग और कंपैशनेट दिखाई गई हैं, यानी फीमेल्स काम करती हैं और घर चलाती हैं, जबकि मेल कोई काम नहीं करते और कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करते। फिर लास्ट पे है डिसेप्शन यानी धोखा देना। जूनो का हस्बैंड जैक बॉयल अपनी नेबर से कुछ पैसे उधार लेता है, ये जानते हुए भी कि वो वापस नहीं कर पाएगा। एक तो वो मिडिल क्लास से है और दूसरा वो कोई काम भी नहीं करता और ना ही कुछ कमाता है, फिर भी उधार लेता है और धोखा देता है। अगर बात करें टाइटल की जूनो एंड द पेकॉक, तो जूनो रोमन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज है। इसी तरह प्ले में भी जूनो का करेक्टर कंपैशनेट, लविंग, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ पेकॉक राइटर ने पीकॉक से लिया है यानी मोर। जिस तरह मोर सिर्फ अपने पंख दिखाता है, इसी तरह जूनो का हस्बैंड जैक बॉयल भी सिर्फ दिखावे में रहता है, बिल्कुल ही आइडल है, कोई काम नहीं करता और जब भी इसको कोई काम कहा जाता है तो ये कहता है कि मेरी टांगों में दर्द है, लिहाजा ये टांगों में पेन का बहाना बनाता है। और इसने जिंदगी में सिर्फ एक बार शिप में सफर किया है, इसके बावजूद ये अपने नाम के साथ कैप्टन लगाता है, कैप्टन जैक बॉयल। लिहाजा जैक, जूनो और इनके दो बच्चे मैरी एंड जोनी एक छोटे से और तंग से अपार्टमेंट में रहते हैं। मैरी जॉब करती थी लेकिन ये स्ट्राइक पे है, यानी एक फेलो वर्कर को काम से निकालने पर ये एहतजाज करती है, और जॉनी का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान एक बाजू डिसेबल हो गया, लिहाजा इसका एक बाजू काम नहीं करता, ये भी कुछ नहीं कमा सकता। पर मैरी स्ट्राइक पे है जबकि जैक विलिंगली अनएम्प्लॉयड है, यानी ये जानबूझकर कोई काम नहीं करता। फिर जूनो है जो जॉब करती है, यानी यही कमाती है और घर चलाती है। और जूनो का करेक्टर इसलिए भी जूनो रखा गया क्योंकि ये जून के माह में पैदा हुई थी और अपने हस्बैंड जैक से भी जून में मिली, उनकी शादी भी जून में हुई।
इनके अपार्टमेंट में एक पिक्चर ऑफ वर्जन लगी हुई है जिससे जाहिर होता है कि ये कैथोलिक हैं। प्ले के शुरू में सुबह का टाइम होता है जब जूनो, मैरी और जॉनी एक साथ मिलकर जैक का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जैक पब में अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग करने में मसरूफ होता है, इसलिए वो घर देर से आता। फिर जूनो एंड मैरी न्यूज़पेपर स्टोरी के बारे में बात करने लगते हैं, यानी इनके हमसायों के एक लड़के का मर्डर हो गया है। जॉनी मर्डर का सुनकर घबरा जाता है और ये नहीं चाहता कि मर्डर की दोबारा बात की जाए, लिहाजा ये उनसे कहता है कि अब मर्डर की बात ना करें। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ जेरी डिवीन आता है। जेरी कहता है कि उसके पास जैक के लिए एक जॉब ऑफर है, लेकिन जैक कोई भी जॉब करने पर राजी नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद जैक वापस अपने दोस्त जॉक्सर डेली के साथ आता है और इन दोनों ने बहुत ही ड्रिंकिंग की होती है। जैक को लगा था कि अब तक जूनो काम के लिए जा चुकी होगी, लिहाजा वो जॉक्सर को भी साथ ले आया था, लेकिन जूनो जॉक्सर को देखकर बहुत ही इरिटेट फील करती है। फिर वहाँ एक लॉयर चार्ल्स बेंथम आता है और ये आकर जैक को बताता है कि तुम्हारे एक कज़न की डेथ हो गई है और वो काफ़ी दौलत और पैसा छोड़कर गया है, जिसमें से आधा तुम्हें मिलेगा। जैक ये सुनकर बहुत खुश होता है और फौरन जूनो से वादा करता है कि वो खुद को बदल लेगा, अब वो जॉक्सर के साथ मिलकर ड्रिंकिंग नहीं करेगा और अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। फिर जैक लोगों से पैसे उधार पकड़कर अपने अपार्टमेंट को फर्निश करता है, यानी नया फर्नीचर लाया जाता है और न्यू पिक्चर्स लगाई जाती हैं और वो लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं। पार्टी में गाना बजाने के लिए ग्रामोफोन भी लाया जाता है और मुख्तलिफ लोगों को पार्टी में इनवाइट किया जाता है। और जब ये पार्टी चल रही होती है और ग्रामोफोन बज रहा होता है तो इनकी हमसाई मिसिस टैनक्रिड आकर बताती है कि उसके बेटे रोबी का मर्डर हो गया है और वो लोग फ्यूनरल की तैयारियां कर रहे हैं। जूनो ये सुनकर बहुत ज़्यादा सिंपथी शो करती है, जबकि जैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत ही अनसिम्पथेटिक था, लिहाजा वहाँ मर्डर और डेथ की बातें होने लगती हैं। जॉनी दोबारा से मर्डर के बारे में सुनकर खौफ ज़्यादा हो जाता है और एकदम से घबरा जाता है। फिर जूनो अपने बेटे जॉनी को एक गिलास विस्की का देकर रिलैक्स करती है। पार्टी में चार्ल्स बेंथम भी आया होता है, लिहाजा वो मैरी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। फिर जैक को पता चलता है कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, चार्ल्स बेंथम ने उससे झूठ कहा था और जो भी पैसे उधार पकड़कर उसने सामान लाया था अब लोग आकर उसके घर से सामान ले जाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसने सूट भी उधार लेकर पहना था, लिहाजा आदमी वो भी लेने आ जाता है। और प्ले में यहाँ कॉमिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। फिर कुछ देर बाद IRA यानी आयरिश रिपब्लिक आर्मी के दो आदमी आते हैं और जॉनी को घसीट कर ले जाते हैं, क्योंकि मिसिस टैनक्रिड के बेटे रोबी का मर्डर जॉनी की वजह से हुआ था। जॉनी ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी और रोबी के बारे में मर्डरर्स को बताया था, लिहाजा मर्डरर्स ने जॉनी की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए रोबी का मर्डर कर दिया। अब IRA के दो आदमी जॉनी को पकड़ कर ले जाते हैं और कुछ आगे जाकर जॉनी को भी मार देते हैं। थोड़े टाइम बाद एक खातून जूनो को आकर बताती है कि उसके बेटे का मर्डर हो गया है। फिर दो माह बाद Act 3 में नवंबर की एक शाम को मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जूनो अपनी बेटी मैरी को डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसे पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और चार्ल्स बेंथम के बच्चे की माँ बनने वाली है, लिहाजा वो दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं कि अब सोसाइटी में उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग उन्हें तंग करेंगे। जूनो जैक से कहती है कि वो विरासत में मिले हुए पैसे को इस्तेमाल करे ताकि वो कहीं और चले जाएं जहां उन्हें कोई भी ना जानता हो, लेकिन जैक बताता है कि उसे कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं, चार्ल्स बेंथम बिल्कुल झूठ कह रहा था। फिर जेरी कहता है कि वो मैरी से शादी करने के लिए तैयार है, लिहाजा मैरी और जेरी की शादी कर दी जाती है, लेकिन शादी के बाद जब जेरी को पता चलता है कि मैरी चार्ल्स बेंथम के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसे छोड़कर चला जाता है। अब जैक बॉयल भी ड्रिंकिंग करने के लिए दोबारा पब में चला जाता है, पीछे घर में जूनो और मैरी रह जाती हैं, लिहाजा जूनो फैसला करती है कि वो अपनी बेटी मैरी को लेकर कहीं और चली जाएगी जहां उसे कोई भी ना जानता हो। और फिर कुछ देर बाद जूनो और मैरी भी घर से चली जाती हैं। जैक जब ड्रिंकिंग किए हुए जॉक्सर के साथ घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि घर में कोई नहीं, उसे नहीं खबर कि उसका बेटा जॉनी मर चुका है और उसकी बीवी और बेटी घर छोड़कर जा चुकी हैं। वो घर की तरफ देखता है कि हर चीज बिखरी हुई होती है और तभी वो और जॉक्सर वहीं ड्रिंकिंग किए हुए पड़े रहते हैं। वियर्ड्स, इसी के साथ ये प्ले एंड होता है।